नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड ओपीडिया। नाउ दोस्तों, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया है। बात करें कि फाइनेंशियल ईयर में 2022-2023 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है, तो ये सारे अनुमान जो कि बाकी सारे एजेंसीज ने लगाया था, वर्ल्ड बैंक ने लगाया था और बाकी सारे जो प्राइवेट एजेंसीज जैसे मूडी और मॉर्गन स्टैनली, उन सबको धराशाही करते हुए इंडिया ने 7.2% की ग्रोथ रजिस्टर की है। और जो क्वार्टर फोर में जो जीडीपी इंडिया की ग्रो हुई है वो 6.1% हुई है। नाउ ये जो लोगों ने अनुमान लगाया था उससे भी बहुत ज़्यादा है। लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.9 या 6.8 के आसपास होगी, लेकिन सारे अनुमानों को तोड़ते हुए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इतनी हो गई। और ये सब तब हो रहा है जब बाकी दुनिया जो है वो रिसेशन में जा रही है। आपने अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि जर्मनी जो है वो रिसेशन में जा चुका है। रिसेशन मतलब कि जब दो लगातार क्वार्टर आपकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाए तो उसको रिसेशन बोलते हैं, और जर्मनी रिसेशन में जा चुका है। बाकी सारी इकोनॉमी बहुत कम ग्रो कर रही है और उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.2% होना ये एक वाकई मिरेकुलस ग्रोथ है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, उन्होंने भी कहा है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो ये देश के लिए कितनी बड़ी बात है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ इतना ज़्यादा हो रहा है। नाउ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आखिरी में जो जीडीपी ग्रोथ इंडिया की बढ़ गई फोर्थ क्वार्टर में, ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा रहा था, क्योंकि जो इससे पिछले क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 4.5% थी। नाउ अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल की ऐसे अचानक से जीडीपी निकाली जाती है, नहीं, जो जीडीपी कैलकुलेशन होता है वो हर क्वार्टरली बेसिस पे होता है कि इस 3 महीने में कितनी जीडीपी थी, तो उस हिसाब से जो इंडिया की जीडीपी है इस लास्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर की 2023 के जो पहले 4 महीने में वो 6.1% ग्रो हुई है। और लोगों का अनुमान नहीं था, लोगों को लगता था कि सिर्फ 5.5% के आसपास जीडीपी ग्रो होगी, और ऐसे में जीडीपी ग्रोथ इतना हो जाना और ओवरऑल 7.2% का जीडीपी ग्रोथ करना ये बहुत ही मिरेकुलस बात है। नाउ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो इस समय फिलहाल बहुत ही ज़्यादा बूम पर है, और आपको पता ही होगा कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो वीट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और रशिया और यूक्रेन वन ऑफ द लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर हैं। तो ऐसे में इंडिया जो है वीट भी एक्सपोर्ट कर रहा है, राइस भी एक्सपोर्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट को, बांग्लादेश को, बाकी सारी कंट्रीज़ को, तो इसलिए जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो हमारा काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और अभी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो भी, हमने पीएलआई स्कीम बहुत सारी निकाली है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी और तेज़ी से ग्रो होना बाकी है। नाउ अगर बात करें कि इंडिया की जीडीपी अभी कितनी है, तो अगर देख सकते हैं कि आईएमएफ के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। नाउ जापान जो है वो 4.4 के साथ थर्ड नंबर पे है और जर्मनी 4.3 के साथ फोर्थ नंबर पे है। नाउ हम जर्मनी को इकोनॉमी में पीछे कर सकते हैं क्योंकि जर्मन इकोनॉमी अभी रिसेशन में है, तो उनकी इकोनॉमी गिरेगी और ये बहुत ही अच्छा मौका है कि इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी और भी ज़्यादा उठा के और फोर्थ नंबर पे आ जाए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि फोर्थ नंबर पे आ जाने से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, लेकिन ये सिंबॉलिक चीज़ होती है। अभी आपको पता होगा कि जर्मनी ने हमारा एक पॉपुलेशन जो जब हम सबसे अधिक हो गए तो उसका मजाक उड़ाया था एक कार्टून बना के, जिसमें उसने चाइना को एडवांस बुलेट ट्रेन में दिखाया था और इंडिया को एक बहुत ही पुरानी ट्रेन में, और उस पर ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, इस तरह से मॉक किया था इंडिया को। तो अगर हम जर्मनी को ही पिछाड़ के और आगे निकल जाते हैं तो ये जर्मन को एक सिंबल देगा कि अब इंडिया वो पुराना इंडिया नहीं रहा। नाउ ऐसा किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने अनुमान लगाया था कि जो इंडिया की फॉर ईयर 2023 में जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो 6.4 रहेगी। आप सोच रहे होंगे कि 6.4 और 7.2 में कितने का ही अंतर है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप बाकी कंट्रीज़ के देखें तो अमेरिका जो है वो सिर्फ 2.1% से ग्रो कर रहा है, चाइना जो कि माइटी है इकोनॉमी के मामले में वो अभी फिलहाल मात्र 4.5% के आसपास ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया को मैसिव राइज ये रखना पड़ेगा, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी और भी ज़्यादा होगी। मॉर्गन स्टैनली की हाल ही की रिपोर्ट में माने तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2027 में बन जाएगा, और बाय द एंड ऑफ द डिकेड में इंडिया की इकोनॉमी 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर की होगी। नाउ इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया अच्छा करेगा। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।